Hello everyone, it's BPQer. Here I am back after long time. So इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इस 3x3 रूबिक्स की पजल को हम सॉल्व कैसे करते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं आपको इस रूबिक्स क्यूब का बेसिक्स बता देता हूँ. जैसे कि ये देखिए, जो भी ये बीच पे है, जैसे ये येलो या सेंटर, ये पीस, पीछे का बीच वाला पीस, एंड देन ये डाउन का ये वाला पीस, ये सबको हम सेंटर पीस बोलते हैं. और जो ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, एंड देन डाउन का 4, चारों को इन सभी को हम एच पीसेस बोलते हैं. एंड देन ये सभी कॉर्नर कॉर्नर के पीसेस को हम कॉर्नर पीस बोलते हैं. ओके, ये याद रखिएगा कि हम रूबिक्स क्यूब को उसके जो ये सेंटर पीस का जो कलर है उसके हिसाब से सॉल्व करते हैं. मतलब जैसे सेंटर पीस से यहाँ वाइट है तो मतलब इस साइड वाइट कलर आएगा, यहाँ ग्रीन है बीच पे तो यहाँ ग्रीन कलर आएगा, यहाँ ऑरेंज है तो यहाँ ऑरेंज कलर आएगा, ऐसा. क्योंकि देखिए, क्यूब को हम जैसे कि किसी भी कैसा भी टर्न करते हैं तो ये देखिए हर एक पीस मूव हो रहा है ये इधर, लेकिन जो कि ये सेंटर वाला पीस है ये कभी भी मूव नहीं होगा. ओके, इधर भी करने से वही होगा, वो कभी मूव नहीं होगा. ठीक है, तो फिर क्यूब को तो पहले मैं बिगाड़ लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ कि रूबिक्स क्यूब को हम सॉल्व कैसे करते हैं. अपना हमने ये रूबिक्स क्यूब स्क्रैम्बल कर लिया, तो फिर अब बताता हूँ इस क्यूब को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 7 इजी स्टेप्स होते हैं सॉल्व करने के लिए. बिना मेथड के लिए 7 स्टेप्स लगते हैं सॉल्व करने के लिए. ठीक है, तो पहला स्टेप क्या होता है देखिए. पहला स्टेप ये होता है, कोई सा भी कलर ले लीजिए और उस पे से जैसे आपको सॉल्व करना. पहला स्टेप होता है कोई सा भी कलर ले लेना, उसके बाद जो ये सेंटर पीस है उसके हिसाब से सॉल्व करते हैं. ठीक है ना, पहले इस शेप में फर्स्ट स्टेप ऐसा प्लस बनाना रहता है रूबिक्स क्यूब पे, ऐसा ये पीस ये. ओके, पहले स्टेप पे हम ऐसा प्लस बनाते हैं. सेकंड स्टेप में ये कॉर्नर पीस सॉल्व करते हैं, लास्ट का 4 कॉर्नर पीस. उसके बाद इस क्यूब को नीचे रोटेट कर देते हैं. और फिर थर्ड स्टेप पे आता है ये एच पी से सॉल्व करना सेकेंड लेयर का. मतलब ये फर्स्ट लेयर है रूबिक्स क्यूब का, बीच वाला सेकेंड लेयर, एंड ये थर्ड लेयर. ओके, तो थर्ड स्टेप पे क्या हुआ, ये एच पी से सॉल्व करना. और फिर फोर्थ स्टेप पे होता है यहाँ प्लस बनाना, उसके बाद होता है ये कॉर्नर बनाना. उसके बाद आता है सिक्स स्टेप पे आता है ये कॉर्नर को उसकी सही पोजीशन पे लाना. उसके बाद लास्ट स्टेप पे आता है उसको बस मूव करना. ठीक है, तो 7 स्टेप्स में हम इस क्यूब को सॉल्व करना सीखने वाले हैं. मैं बताता हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करने वाले हैं हम. तो मैंने क्या बोला था, हम पहले स्टेप पे क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप पे ऐसा प्लस बनाना रहता है अपने को ऐसा प्लस बनाना रहता है किसी भी साइड. तो मैं पहले तो ये वाइट लेता हूँ, वाइट को मैं बनाऊँगा. तो फिर ये देखिए, मैंने क्या बोला था, हम किसी भी पीस को किससे देखते हैं, उसके सेंटर पीसेस से देखते हैं. ओके, ये सेंटर कैप्स सेंटर पीसेस से देखते हैं. तो फिर यहाँ कौन सा पीस आएगा, जैसे यहाँ देखिए वाइट है यहाँ एंड यहाँ रेड है. ओके, तो यहाँ पे कौन सा पीस आएगा, वाइट एंड रेड वाला पीस. तो वो कहाँ पे है, ये रहा. तो फिर मैं इसको ऐसा रोटेट कर देता, ऐसा टर्न कर दिया. ठीक है, फिर दूसरा पीस देखिए, अब ये देखिए ये है वाइट और ब्लू, और यहाँ पे कौन सा पीस आएगा, यहाँ पे आएगा वाइट एंड ब्लू वाला पीस, वाइट और ब्लू वाला पीस. ठीक है, तो फिर इसको मैं कैसा करूँगा, इसको मैं एक बार नीचे लाऊँगा. जैसे देखिए इसके इसको देख लीजिए, इसको मैं नीचे लाऊंगा. तो फिर हाँ, ये देखिए
हम लोग को फर्स्ट लेयर के लिए कोई सा फॉर्मूला नहीं लगता सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट लेयर को हम लोग को खुद से सॉल्व करना पड़ता है। फिर उसका सेकेंड लेयर के बाद फार्मूला आता है, जिसको फार्मूला आप लगाओगे फिर वो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। तो फिर फर्स्ट लेयर को हम लोग को खुद से सॉल्व करना लगता है, दिमाग लगाना पड़ेगा बस हल्का सा, उसका सॉल्व हो जाएगा। तो ये देखिए, ये पीस यहाँ है वाइट और ब्लू पीस, तो ये पीस मेरे को यहाँ पे चाहिए। तो मैं इसको ऐसा नीचे लेके आता हूँ, नीचे लाया, यहाँ कलर मैच किया, कलर मैच किया, इस पर मैच हुआ और इसको ऊपर ले गया। ठीक है, दूसरा पीस देखिए, ये रहा। यहाँ पे कौन सा पीस चाहिए? वाइट एंड ऑरेंज, वो पीस कहाँ पे है? यहाँ पे है। इसको मैं क्या करूँगा, सिर्फ ऊपर कर दूँगा। ठीक है, अब फोर्थ पीस कहाँ है? ये रहा, वाइट एंड ग्रीन, इसको भी मैं क्या करूँगा, ऊपर। देखिए, जिससे कि हम लोग का फर्स्ट स्टेप सॉल्व हो गया। देखिए, वाइट ग्रीन पीस आ गया, वाइट रेड, वाइट ब्लू, वाइट ऑरेंज। ठीक है, तो फिर अब सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में मैंने क्या बोला था, कॉर्नर को सॉल्व करना है, ये फोर कॉर्नर्स को सॉल्व करते हैं। तो फिर आप ये देखिए, जैसा हाँ, यहाँ क्या है, यहाँ कौन सा, देखिए यहाँ पे आप सेंटर कलर को देखिए, वाइट ऑरेंज ग्रीन, तो यहाँ पे कौन सा पीस आएगा? वाइट ऑरेंज एंड ग्रीन पीस यहाँ पे आएगा। ओके, तो फिर वो पीस को आप सर्च कीजिए कहाँ पे है, ये रहा। ठीक है, ये रहा। तो फिर आप ये देखिए, अब इसको कैसे हम टर्न करेंगे जिससे कि ये वाला पीस यहाँ पे आएगा। तो बस आप ये करना, इस पीस को यहाँ नीचे लेके आना, जो पीस यहाँ पे आने वाला रहेगा उसको नीचे लेके आना, और बस करना ये ऐसा ऐसा ये। फिर से इसको दोबारा राइट इन्वर्टेड, डाउन इन्वर्टेड, राइट डाउन। जब तक ये पीस ऊपर नहीं आ जाता तब तक हम इसको करेंगे राइट इन्वर्टेड, डाउन इन्वर्टेड, राइट डाउन, वापस राइट इन्वर्टेड, डाउन इन्वर्टेड, राइट डाउन, वापस राइट इन्वर्टेड, डाउन इन्वर्टेड, राइट। ये देखिए, जिससे कि ये पीस यहाँ पे आ गया। और दूसरा पीस देखिए अब, ये रहा, ये कौन सा है? वाइट ब्लू रेड, ये कहाँ पे लगेगा? वाइट ब्लू रेड यहाँ देखिए, वाइट ब्लू रेड। ठीक है, तो इसके लिए भी सेम करते हैं, इसको नीचे में लेके आना, राइट इन्वर्टेड, डाउन इन्वर्टेड, राइट डाउन, राइट इन्वर्टेड, डाउन इन्वर्टेड, राइट डाउन, राइट इन्वर्टेड, डाउन इन्वर्टेड, राइट। सेकेंड पीस भी आ गया। दूसरा कलर देखिए, यहाँ वाइट ग्रीन रेड, ये पीस देखिए, वाइट ग्रीन रेड, सेम, राइट इन्वर्टेड, डाउन इन्वर्टेड, राइट। थर्ड पीस भी सॉल्व हो गया। फोर्थ पीस देखिए, यहाँ पे ही है, ये सेम पीस देखिए, वाइट ब्लू ऑरेंज, सेम इसके लिए भी, राइट इन्वर्टेड, डाउन इन्वर्टेड, राइट डाउन, राइट इन्वर्टेड, डाउन इन्वर्टेड, राइट डाउन, राइट इन्वर्टेड, डाउन इन्वर्टेड, राइट डाउन, राइट इन्वर्टेड, डाउन इन्वर्टेड, राइट। ये देखिए, तो इसी तरह हमारा फर्स्ट लेयर सॉल्व हो गया दो स्टेप पे, क्रॉस एंड देन कॉर्नर पीसेस। ओके, फर्स्ट लेयर हमारा सॉल्व हो गया। अब हम सॉल्व करने वाले हैं रूबिक्स क्यूब का सेकेंड लेयर। सो इस सेकेंड लेयर के लिए हम लोग को फार्मूलाज की ज़रूरत पड़ती है, जो कि है दो फार्मूला। एक है
यहाँ से यहाँ डालने के लिए फार्मूला, और एक है इस जगह से यहाँ डालने के लिए फार्मूला, तो बताने वाला हूँ आपको अब मैं। तो उसके पहले आपको नोटेशंस जानना पड़ेगा रूबिक्स क्यूब के लिए। तो उसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप देख लीजिए, या कि स्क्रीन पे आ रहा होगा फोटो, वहाँ से आप देख लीजिए कि कैसा रोटेट करते हैं। स्क्रीन पे मैंने फोटो डाला, उसमें से देख लीजिए। तो अब देखिए, जैसे इस पीस को देखिए, ये अपने पास ऑरेंज एंड ग्रीन पीस, ठीक है। तो ये पीस कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे ऑरेंज ग्रीन, ठीक है। देखिए सेंटर पीसेस को देखिए आप, ऑरेंज एंड ग्रीन। तो इस पीस के लिए फॉर्मूला होता है, जैसे देखिए हम लोग को ये पीस कहाँ चाहिए, यहाँ से यहाँ डालने के लिए, ठीक है, राइट साइड लेफ्ट साइड जाएगा। तो फिर उसका फॉर्मूला आप इसको मैच कीजिए, ऐसा मैच कीजिए, और अप इन्वर्टेड, लेफ्ट इन्वर्टेड, अप लेफ्ट, अप फ्रंट, अप इन्वर्टेड, फ्रंट इन्वर्टेड। ये देखिए हम यहाँ पे हुआ क्या, जो पीस यहाँ पे था वो यहाँ पे आ गया, ओके। तो दूसरा पीस देखिए, यहाँ देखिए ब्लू रेड। तो फिर आप क्या, इसको इसके कलर से मैच कीजिए, यहाँ पे ब्लू रेड। तो ये पीस कहाँ पे जाएगा, यहाँ ब्लू रेड। तो ये पीस कहाँ लगेगा, यहाँ पे। तो फिर इसका फॉर्मूला होता है, इसको यहाँ इस कलर से मैच कीजिए, और अप राइट, अप इन्वर्टेड, राइट इन्वर्टेड, अप इन्वर्टेड, और फिर फ्रंट इन्वर्टेड, अप फ्रंट। ये देखिए, ठीक है, ये पीस भी अब यहाँ पे आ गया। दूसरा पीस देखिए, ये रहा रेड ग्रीन, सेम इसको इसके कलर से मैच कीजिए, और फिर से इसके कलर से मैच करके ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे है। तो सेम फॉर्मूला लगेगा, अप राइट, अप इन्वर्टेड, राइट इन्वर्टेड, अप इन्वर्टेड, फ्रंट इन्वर्टेड, अप फ्रंट। ये भी हो गया। अब लास्ट पीस बच गया, जो कि है ये रहा, ये कौन सा है, ब्लू एंड ऑरेंज। सेम इसको यहाँ पे डाल दीजिए, इसका कलर से मैच कीजिए, यहाँ पे ऐसा, और कीजिए लास्ट फॉर्मूला, जो कि देखिए जिससे क्या हुआ, ये पीस थ्री पीसेस बन गया, और ये लास्ट बच गया। इसको फिर से इसमें मैच कीजिए, और कीजिए अप इन्वर्टेड, लेफ्ट इन्वर्टेड, अप लेफ्ट, अप फ्रंट, अप इन्वर्टेड, फ्रंट इन्वर्टेड, जिससे कि हमारा सेकेंड लेयर सॉल्व हो गया। आपको बस इसमें फॉर्मूले याद करना पड़ेगा सेकेंड लेयर के लिए, उसके बाद ईजी हो जाता है सॉल्व करना। अब हम आ गए हैं रूबिक्स क्यूब के फोर्थ स्टेप पे, जिस पे पहले मैंने बोला था ऐसा प्लस बनाना रहता है। जैसा हमने फर्स्ट स्टेप पे बनाया था, नीचे पे प्लस, डाउन प्लस, वैसा ही सेम यहाँ पे भी हम लोग को प्लस बनाना है। तो फिर ऐसा प्लस बनाने के लिए थ्री केसेस आते हैं, ठीक है ना। एक ऐसा लाइन रहता है, ऐसा लाइन रहेगा, और उसके बाद हम लोग को ऐसा प्लस बनाना रहेगा। तो इसमें भी आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, और एक ऐसा तो लाइन रहेगा, एक ऐसा केस रहेगा जिसपे थ्री पीसेस ऐसा मैच करेंगे, एंड एक और केस पे ऐसा रहेगा जिसपे कि सिर्फ डॉट रहेगा। हम लोग को ये ध्यान नहीं देना है कि इस पे ये कॉर्नर पे ऐसा क्या है, हम लोग को बस ये देखना है तीन केसेस पे प्लस बनाने के लिए, एक में ऐसा ये डॉट मैटर करता है, एक में ऐसा ये मैटर करता है, और एक में ऐसा लाइन, ठीक है। तो मैं आपको तीनों के लिए अलग अलग फॉर्मूला बताऊंगा। तो फोर्थ स्टेप में थ्री केसेस आते हैं, तो फिर सबसे पहले मैं आपको, अगर आपके में ये केस आता है तो फिर उसका फॉर्मूला बताता हूँ। देखिए अगर ये ऐसा मैच करता है,
तो फिर इसका फॉर्मूला होता है फ्रंट अप राइट अप इन्वर्टेड राइट इन्वर्टेड फ्रंट इन्वर्टेड, जिससे कि देखिए आपका क्रॉस बन जाएगा। सेम अगर ऐसा लाइन रहता है तो फिर कीजिए इसको ऐसे सामने रख के फ्रंट राइट अप राइट इन्वर्टेड अप इन्वर्टेड फ्रंट इन्वर्टेड, जिससे कि देखिए आपको फिर से यहाँ वापस क्रॉस बन गया। और अगर ये देखिए यह थर्ड और लास्ट केस इसके लिए क्रॉस बनाने का, सिर्फ डॉट रहता है सेंटर पे, सिर्फ डॉट रहता है, तो फिर आपको इसी फॉर्मूले को दो बार करना पड़ेगा। तो ये देखिए इसमें से कोई सी फॉर्मूले को करते हैं, जैसे फ्रंट राइट अप राइट इन्वर्टेड अप इन्वर्टेड फ्रंट इन्वर्टेड, जिससे कि देखिए ये केस आ गया जो कि हम हमारे फर्स्ट केस पे था। तो सेम इसको ऐसे सामने में रख के फ्रंट अप राइट अप इन्वर्टेड राइट इन्वर्टेड फ्रंट इन्वर्टेड, तो भी देखिए इसमें भी आपका क्रॉस बन गया। ठीक है, तो फिर देखिए अब हम लोगों का फोर्थ स्टेप तो कंप्लीट हो गया जिसमें हम लोगों को क्रॉस बनाना था। अब उसके बाद के स्टेप्स बताता हूँ। देखिए हम लोगों को यहाँ क्रॉस तो बन चुका, तो फिर अब हम लोग को ये देखिए देखिए यहाँ देखिए जैसा यहाँ पे येलो और ब्लू पीस मैच है क्रॉस के लिए, सेम यहाँ येलो और रेड पीस मैच है, लेकिन यहाँ देखिए येलो और ऑरेंज है एंड यहाँ है येलो एंड ग्रीन। ठीक है, तो फिर मतलब ये हम लोग का क्रॉस तो बन चुका पर ये सही क्रॉस नहीं बना है। ओके, तो फिर आप ऐसे ही टर्न करके देखिएगा, कहीं ना कहीं पे आपका ऐसा दो ना दो पीस मिल ही जाएगा। ओके, तो फिर आप क्या कीजिए, एक को राइट पे रखिए और एक को पीछे रखिए, और कीजिए फॉर्मूला राइट अप राइट इन्वर्टेड अप राइट अप टू राइट इन्वर्टेड। देखिए इस फॉर्मूला से एक्चुअली हुआ क्या, क्रॉस ये भी सही है, क्रॉस के लिए ये भी पीस सही आ गया, ये भी एंड देन ये भी। देखिए इसमें क्या हुआ, चारों को चारों जो भी था क्रॉस के लिए ये पेयर ये पूरा का पूरा सही हो गया। तो फिर अब फिफ्थ स्टेप पे आते हैं। तो फिर देखिए आपके क्यूब में जब ये क्रॉस बनाने के बाद ऐसा कोई भी साइड होगा जिस पे, देखिए अब ये देखिए क्रॉस तो बन चुका, अब फिफ्थ स्टेप में क्या होता है, अब कॉर्नर को सॉल्व करना है, हम लोग को कॉर्नर सॉल्व करना है, जैसे ये और ये पीस के कॉर्नर को सॉल्व करना है। ठीक है, तो फिर ये देखिए जैसे यहाँ पे तो ये पीस सही है, चलिए येलो ग्रीन ऑरेंज, सेम यहाँ देखिए यहाँ पे कौन सा पीस है, येलो ऑरेंज एंड ब्लू, लेकिन यहाँ आना क्या चाहिए, येलो रेड एंड ग्रीन पीस आना चाहिए, तो फिर मतलब ये गलत पीस है, यहाँ पे गलत लगा हुआ है। एंड यहाँ देखिए ब्लू रेड ग्रीन है, लेकिन यहाँ आना क्या चाहिए, येलो ब्लू एंड रेड आना चाहिए। सेम यहाँ पे हमारे पास है क्या, येलो ब्लू ब्लू रेड है, पर आना क्या चाहिए, येलो ऑरेंज एंड ब्लू। तो फिर आप ऐसे ही कोई से भी साइड को टर्न करिए, और देखिए अगर देखिए यहाँ पे जैसे ये यहाँ पे हम लोग को पीस कौन से चाहिए थे, ये देखिए येलो ग्रीन एंड ऑरेंज पीस चाहिए था और ये है भी यहाँ पे। ठीक है, तो फिर अगर ये देखिए अगर ये ध्यान दीजिए, अगर ये पीस ऐसा मुड़ा हुआ रहता तब भी ये सही रहता। ठीक है, अगर ये ऐसा पीस यहाँ पे मुड़ा हुआ रहता तब भी ये पीस हमारा सही पीस होता, जो कि फार्मूला अब हम लोग को यहीं से करना है। ठीक है, तो फिर ये यह है यहाँ पे ऐसा, तो फिर आप क्या कीजिए यहाँ पे इसको राइट पे रखिए, राइट पे रखिए और फॉर्मूला अप राइट अप इन्वर्टेड लेफ्ट इन्वर्टेड अप राइट इन्वर्टेड अप इन्वर्टेड लेफ्ट। देखिए इस फॉर्मूले से हुआ क्या, ये वाला पीस यहाँ पे हम लोग क्या चाहिए, येलो रेड एंड ग्रीन सही आ गया, येलो रेड ब्लू ये देखिए ये भी सही आ गया, सेम यहाँ भी येलो ब्लू एंड ऑरेंज ये भी सही आ गया। जैसे कि देखिए अभी यहाँ पे ये तो सही है ना, ये यहाँ पे सही पीस लगा हुआ है। तो फिर कई बार ऐसा होता है कि एक ही बार करने से नहीं आता है,
जिससे कि हम लोग को दो बार, जब तक ये कॉर्नर पीसेस सही नहीं आते तब तक हम लोग को ये फार्मूला करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अभी तो सही हो गया, तो फिर जब तक ये कॉर्नर पीसेस यहाँ पे नहीं आते हैं इसके सही जगह पे, इस फार्मूले से एक्चुअली होता क्या है, जो ये पीस इधर रहता है वो इधर उधर दूसरे दूसरे पोजीशन पे अपना चला जाता है, ठीक है। तो फिर अब हम आते हैं अपने लास्ट स्टेप पे, जिस पे क्या होता है, देखिए ये पीस यहाँ है सही है, तीनों तीनों सही है, तो बस लेकिन इस पे क्या है, ये पीस घुमा हुआ उल्टा है। तो फिर ये लास्ट स्टेप आता है, इसमें क्या एक चार मूव का फॉर्मूला होता है, जिसको करोगे तो फिर आपका क्यूब सॉल्व हो जाएगा। तो यह मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ होता क्या एक्चुअली। देखिए बस आप क्या कीजिए, जो पीस जहाँ भी बिगड़ा हुआ है उसको सामने रखिए और कीजिए, इसको सामने रख के राइट इन्वर्टेड डाउन इन्वर्टेड राइट डाउन राइट इन्वर्टेड डाउन इन्वर्टेड राइट डाउन राइट, जब तक नहीं होता तब तक वापस कीजिए, डाउन इन्वर्टेड राइट डाउन राइट इन्वर्टेड डाउन इन्वर्टेड राइट डाउन, ठीक है। ये हो गया ना, ये पीस यहाँ सही आ गया। अब क्या करना है, अब हम लोग ये पीस वाला ये पीस भी चाहिए, तो फिर आप क्या करना, आप ऐसा इस क्यूब को ऐसा रोटेट कर देना, टर्न कर देना पीस को, ठीक है। फिर से वापस आप इसी फॉर्मूला कीजिए, राइट इन्वर्टेड डाउन इन्वर्टेड राइट डाउन राइट इन्वर्टेड डाउन इन्वर्टेड राइट डाउन राइट इन्वर्टेड डाउन इन्वर्टेड राइट डाउन राइट इन्वर्टेड डाउन इन्वर्टेड राइट डाउन, ये भी पीस सही आ गया। अब सिर्फ क्या बचा, लास्ट पीस जो कि ये रहा, तो सिर्फ इसको भी कर दीजिए, राइट इन्वर्टेड डाउन इन्वर्टेड राइट डाउन राइट इन्वर्टेड डाउन इन्वर्टेड राइट डाउन राइट इन्वर्टेड डाउन इन्वर्टेड राइट डाउन राइट इन्वर्टेड डाउन इन्वर्टेड राइट डाउन। तो फिर यहाँ देखिए आपका क्यूब सॉल्व हो गया, हर एक साइड हर एक कलर सही मैच कर रहा है। एक्चुअली क्यूब सॉल्व करना होता तो इजी है, लेकिन बस आपको कुछ फार्मूले, चार पांच फार्मूले जो कि आपको याद करने पड़ेंगे। हाँ तो फिर अगर आपको, अगर वीडियो एक बार देखने से समझ नहीं आया तो फिर आप इसको दोबारा देखिए, मैं आई एम श्योर कि आपको दो बार देखने में ये वीडियो हाउ टू सॉल्व रूबिक्स क्यूब पूरा का पूरा समझ आ जाएगा। तो फिर देखिए, तो होप आपको वीडियो समझ आ गया होगा। हाँ अगर आपको कोई सा भी कहीं पे भी डाउट है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, अगर कहीं पे कभी फॉर्मूला आपको नहीं बन रहा है तो फिर आप कमेंट कीजिए, या कि मेरे को जीमेल कीजिए, मैंने अपना जीमेल भी डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन पे, तो वहाँ से आप मेरे को जाके जीमेल कर सकते हैं। आपको कोई सा भी डाउट होता है तो फिर आप मेरे को मेल कीजिए, और या कि आप कमेंट भी कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपको उसी उसी समय थोड़ी देर पे आपको फॉर्मूला बता दूंगा कि वहाँ पे क्या करना है एक्चुअली, ठीक है। तो वो आपको समझ आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।